कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। जी हाँ, आ गई है प्रेपोजिशन की वो वीडियो जिसे देखने के बाद एग्जाम में आप गारंटेड सारे क्वेश्चन सही करने वाले हो। इस वीडियो में सारे तरह के एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो देखिए और प्रेपोजिशन का डर हमेशा के लिए खत्म। गाइस, प्रेपोजिशन के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने जब प्रेपोजिशन पढ़ने के लिए बुक उठाई ना, तो मैंने बुक खोली और उसमें प्रेपोजिशन को पढ़ना शुरू किया, तो उसमें लिखा हुआ था ऑन के इस्तेमाल, टू के इस्तेमाल, लेकिन वो इस्तेमाल जो बताए गए थे वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हुए थे और समझ ही नहीं आया कि कहां कैसे शुरुआत हुई, तो मुझे बड़ी दिक्कत आई थी। लेकिन मैं ये दिक्कत आपको तो होने नहीं दूंगा। आज हम इस वीडियो में आपको सारे प्रेपोजिशन के फुल फ्लेज इस्तेमाल बताएंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और स्पोकन इंग्लिश दोनों में ही आप मास्टर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। A preposition is a word that links a noun or pronoun to other parts of the sentence. It expresses direction. ज्यादा अंग्रेजी मत झार, सिर्फ इतना बता के मुमकिन है या नहीं? मुमकिन है सर, हाँ। आप भी प्रेपोजिशन को करेक्ट इस्तेमाल करते हुए एग्जाम में सही लिख के आ सकते हो, बोलने में सही बोल सकते हो, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट कि आप मेरे साथ प्रेपोजिशन को समझें इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो आइए देखते हैं प्रेपोजिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एक बात आपको बताता चलूं, कभी भी कुछ भी आप पढ़ रहे हो, उस वर्ड का जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसका मीनिंग देखने की कोशिश करो। जैसे प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या है। जब आप प्रेपोजिशन का मीनिंग समझ लोगे तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी, आप समझ जाओगे कि ये किस बारे में बात हो रही है। अच्छा, प्रेपोजिशन बना है दो वर्ड से मिलके, प्री और पोजिशन। दो वर्ड, प्री पोजिशन। अब प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब होती है जगह। तो किसी जगह पे पहले आने वाले वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहते हैं। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब मैं आपको बताता हूं इसका रियल मीनिंग होता क्या है। तो प्रेपोजिशन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे जो शब्द हैं सेंटेंस में उनसे रिलेशन बताएं, उनसे रिलेशन बताएं। ये क्या बात कह गए सर आप। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा आई एम इन द क्लास, मैंने कहा आई एम इन द क्लास। हमने पढ़ा क्या है कि प्रेपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस से रिलेशन बताते हैं। तो यहां पे नाउन या प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है यहां पे आई है, ओके। और यहां पर इन आया, इन क्या है, हमारे एक प्रेपोजिशन है। और द क्लास क्या है, एक नाउन है, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है। तो यहां आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, तो मैं का और क्लास का रिश्ता किसने बताया, इनने बताया, इसका और इसका रिश्ता बताया इसने। तो ये हुआ हमारा प्रेपोजिशन। अब आपको क्लियर हो चुका है कि प्रेपोजिशन होता क्या है। और एक बात और बताता चलूं, प्रेपोजिशन के अंदर आपको मेनली तीन बातों का ज्ञान होता है, तीन तरह की बातें आपको पता चलती हैं। एक तो होती है हमारी डायरेक्शन, कि कोई चीज किस डायरेक्शन में है, यानी उसकी दिशा। एक होता है टाइम, टाइम यानी समय, समय कौन से समय पे ये काम हुआ है। और एक होती है हमारी प्लेस, जगह के प्लेस या लोकेशन हम बोल सकते हैं इसको, कि तीन चीजों पे प्रेपोजिशन बात करती है, डायरेक्शन, टाइम और प्लेस। अब हमने इनको कैटेगराइज भी कर लिया है, मीनिंग भी समझ गया है, तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। अभी हम पहले प्रेपोजिशन की बात करेंगे जो के है ऑन, ओ एन ऑन, जो स्विच भी होता है ना ऑफ या ऑन करने वाला, उसी ऑन की बात हम करने वाले हैं। तो ऑन का इस्तेमाल पहला क्या है वो देखते हैं। पहला इस्तेमाल है किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए। सरफेस मतलब सतह है, कि वो चीज किस चीज पे रखी हुई है उसको दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑन का। वो कैसे, मेरे हाथ में आप देख रहे हो एक पेन, ये पेन मैंने रखा इस तरह से अपने हाथ पे। अब ये पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो ये हो गई इसकी सरफेस, सतह। और ये क्या हो गया, कोई चीज यानी कोई ऑब्जेक्ट। जब इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा होता है ना, तो उसमें हम लगाएंगे ऑन। दुनिया की कोई भी चीज किसी तरह इस तरह बिल्कुल इस पोजीशन में सरफेस पे रखी होगी, वहां ऑन ही आएगा, बिना सोचे समझे आप ऑन लगा देना। तो ये इस्तेमाल रहा ऑन का। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इनको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा द बुक, बुक है कोई, इज ऑन द टेबल, टेबल पे ना एक बुक रखी हुई है। ऑन लगाना चाहिए, जी लगाना चाहिए, क्योंकि सरफेस पे एक चीज
रखी हुई है, तो यहां पे ऑन जो आया वो करेक्ट है। अगला एग्जांपल है द पेपर इज ऑन माय डेस्क, क्योंकि पेपर है वो मेरी डेस्क पर रखा हुआ है, ऐसे कोई डेस्क होगी और यहां कोई पेपर रखा होगा तो लगा दो ऑन, तो ऑन यहां पर भी आ गया। अगला एग्जांपल है हमारा क्या है, ही इज ऑन द बस स्टॉप, के वो कहां पर है, बस स्टॉप पे है, तो यहां भी क्या आ गया, ऑन आ गया। जी नहीं, गलत जवाब है, बस स्टॉप के ऊपर थोड़ी है वो, बस स्टॉप के ऊपर नहीं है, बस स्टॉप कोई सरफेस नहीं है, वो तो एक पॉइंट ऑफ प्लेस है, जगह का नाम है। तो यहां पे ये जो ऑन आया ना, ये गलत है, ये आंसर बिल्कुल गलत है, इसके साथ ऑन नहीं आएगा। तो गाइज याद रखना, अगर आप प्रेपोजिशन को हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हिंदी में समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप हमेशा गलती करोगे अगर आप उसको हिंदी इंग्लिश से ट्रांसलेट करते चलोगे। पर का इस्तेमाल ऑन नहीं होता, ये दिमाग में रख लीजिए। आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको उसका यूज पता होना चाहिए, तभी आप उसका करेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पर ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा वो हम आगे के इस्तेमाल में देखेंगे। ओके, तो अगला हमारा यूज ऑन का क्या है, अगला यूज है दिन और तारीखों को दिखाने के लिए। कोई भी डेट्स हो या कोई भी डेज हो, यानी डेट्स तारीखें, डेज दिन हमारे, उनके लिए आप हमेशा ऑन लगाओगे, बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल है ये वाला इस्तेमाल। देख लेते हैं ना, ही विल कम ऑन वेंसडे, वो कब आएगा, वेंसडे को आएगा, तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया, कि वो वेंसडे पे आएगा। अगला था दे मेट मी ऑन संडे, वो मुझसे संडे पे मिले, तो यहां भी संडे एक डे था और दिन के आगे हमें क्या लगाना है, ऑन लगाना है, तो हमने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। अगला है हमारा आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था, कब हुआ था सर, 26 जनवरी 1999, मैं 26 जनवरी 1999 को पैदा हुआ था, तो यहां ये एक डेट है और डेट के साथ क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल, सॉरी दो यूजेज इनफैक्ट हमने पढ़े किसके, ऑन के। अब आगे बढ़ते हैं अपने और यूजेज की तरफ। ऑन का एक इस्तेमाल क्या है, किसी डिवाइस यानी यंत्र या मशीन को दिखाने के लिए। अब मशीन में क्या क्या हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है, कोई भी मशीन अगर उस पर आप काम कर रहे हैं तो आप लगाओगे उसके साथ ऑन। अब एग्जाम्पल्स क्या है वो देखते हैं, ही इज ऑन द फोन, अगर वो फोन पे बात कर रहा था, फोन का इस्तेमाल कर रहा था, तो हमने क्या कहा, ही इज ऑन द फोन, तो यहां पे क्या प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो गया, ऑन का इस्तेमाल हुआ, फोन एक मशीन है और उसके साथ हमने वर्ड क्या यूज किया, ऑन। ओके, अगला है हमारा द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन, टेलीविजन का इस्तेमाल बहुत होता है जनरल लाइफ में भी, तो टेलीविजन के साथ हमेशा हमें लगाना होता है ऑन, क्योंकि टेलीविजन भी क्या है, एक डिवाइस है और उस पर अगर कोई भी चीज आ रही है तो आप बोलोगे ऑन। और एग्जाम्पल टेलीविजन का क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आई वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन, मैं एक क्रिकेट मैच देख रहा था और किस पे देख रहा था, टेलीविजन पे देख रहा था। ठीक, अगला इस्तेमाल क्या है, शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, यहां पे भी कंप्यूटर एक मशीन थी और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया, यानी वो कंप्यूटर पर थी, कंप्यूटर पर बैठी हुई नहीं थी कि मॉनिटर था और उसके ऊपर आके बैठ गई थी, ऐसा नहीं था, यह था कि वो उस पर काम कर रही थी, वो कंप्यूटर पे काम कर रही थी। तो मैंने बार बार अपनी बात रिपीट करूंगा कि कभी भी हिंदी से कभी प्रेपोजिशन समझने की कोशिश ना करें, उसका कॉन्सेप्ट देखें। He is solving the sum on calculator. वो जो सम है उनको सॉल्व कर रहा है किससे, कैलकुलेटर पर, तो यहां पे भी कैलकुलेटर एक मशीन है, उसके साथ क्या इस्तेमाल किया हमने, ऑन का इस्तेमाल किया। तो ये तो वो इस्तेमाल थे ऑन के जो हम किसी मशीन या डिवाइस के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो ये बड़ा सिंपल था। अब आते हैं अगले इस्तेमाल पे, वो है बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए, यानी कोई भी चीज बॉडी के पार्ट से रिलेटेड हो तो हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, जैसे एग्जांपल है माय मदर किस्ड मी ऑन फॉरहेड, मेरी माँ ने मुझे किस किया, कहां पे किस किया, फॉरहेड पे किस किया। फॉरहेड एक क्या है, पार्ट है, बॉडी का एक पार्ट है, उस पर किस की गई है, तो हम क्या करेंगे यहां पर क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। यानी कोई भी चीज, कोई भी चीज आपके बॉडी के पार्ट पे लगे, गिरे या उसे कॉन्टेक्ट माए, उसको छुए, वहां जाके प्लेस हो जाए, तो हम क्या लगाएंगे उसके साथ, ऑन लगाएंगे। तो क्या था ये, माय मदर किस्ड मी ऑन फॉरहेड, ये हमने देख लिया। अगला था कि द आइसक्रीम फेल ऑन माय लेग, तो जो आइसक्रीम थी वो कहां हो गई, फेल हो गई मेरे लेग पे, यानी गिर गई किस पे, मेरी टांग पे, तो टांग भी बॉडी का पार्ट था, उस पर आइसक्रीम गिरी, तो हमने क्या लगा दिया,
ऑन लगा दिया, यहां भी इसका इस्तेमाल हुआ, ऑन का इस्तेमाल हुआ। अच्छा अगला एग्जांपल है, शी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, वो पहनती है अपनी एंगेजमेंट रिंग, जो एंगेजमेंट की रिंग है कहां पे, अपनी उंगली में। तो उंगली भी क्या है, एक बॉडी का पार्ट है, उसमें वो क्या पहनती है, एंगेजमेंट रिंग पहनती है, उसके साथ हमने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। तो ये चार एग्जांपल अभी तक हमने पढ़े हैं। अब देख लेते हैं इसका पांचवा इस्तेमाल। पांचवा इस्तेमाल क्या है कि ऑन का इस्तेमाल होता है किसी चीज की स्टेट यानी अवस्था को दिखाने के लिए, यानी जो उसकी हालत है उसको दिखाने के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। और ऑन का इस्तेमाल आपने ये सारे सुने भी होंगे, लेकिन आज आपको पता लगेगा कि प्रॉपर कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं, पहला क्या है, विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट, कि वो किस पे थे, फायर पे थे। अब ये नहीं कि वो आग के ऊपर चले गए थे, नहीं, वो क्या थे, फायर थे, यानी बहुत बढ़िया खेल रहे थे, बहुत तूफानी खेल रहे थे। तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, ऑन, उनकी स्टेट को बताने के लिए कि उनकी जो हालत थी वो कैसी थी, आग वाली थी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेल रहे थे, जोश में थे। ओके अगला इस्तेमाल क्या है, ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट टू डेज, वो बेड रेस्ट पे है पिछले दो दिन से। अब बेड रेस्ट पे यानी उनकी अवस्था, उनकी हालत कैसी है कि एक बेड है वो है और रेस्ट है, ठीक है, तो इसलिए क्या लग गया, ऑन लग गया, यानी वो बीमार है। ओके वैसे यही हालत हमारे आजकल मैथमेटिक्स के सर की भी हो रही है, वो भी बेड रेस्ट पे ही है पिछले दो दिन से। अगला है हमारा, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, मैंगो जूस क्या है, डिमांड पे है, गर्मी का मौसम है, सबको चाहिए जूस, तो मैंगो जूस क्या है, डिमांड पर है। उसकी हालत कैसी है मैंगो की जूस की, वो है डिमांड की हालत है। तो इस तरह की ये तो चंद एग्जांपल है आपके एग्जाम में, आपके बुक्स, न्यूज़पेपर, एवरीवेयर आपको जो भी एग्जांपल मिलेंगे वो इसी तरह से मिलेंगे, ऑन के भी और जितने भी प्रेपोजिशन है उनके भी। मैं आपको और हमारी कोशिश ही यही है कि आपको कंप्लीट यूसेज कराया जाए, ताकि आपको भी कंफ्यूज ना हो कि सर ने ये तो बताया नहीं था, ये कैसे हो गया। तो ये हमने बहुत ज्यादा कंपाइल किए हैं एग्जांपल, जो भी यूजेज है उनको हमने कंपाइल करने की कोशिश की है, ताकि आप कवर कर पाओ कि कहां भी, जहां भी इस्तेमाल हो रहा है ऑन का, वो आपको पता रहे कि वो ऐसे हो रहा है जो सर ने बताए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रेपोजिशन की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा ऑन टू। ऑन टू वर्ड जो बना है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है ऑन और दूसरा है टू, दोनों से मिलकर बन गया ऑन टू। इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ऑन जैसा ही है, लेकिन एक डिफरेंस है इसमें, हम तब ये लगाएंगे जब हम कोई चीज मूवमेंट में आती देखें और वो सरफेस पे आके बैठ जाए, तब हम क्या लगा देंगे, ऑन टू। अगर मूवमेंट में नहीं आ रही, पहले से बैठी हुई है किसी सरफेस पे, तो लगा देंगे ऑन। तो यही एक डिफरेंस है ऑन और ऑन टू में। अब एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर आपके सामने एक नकली सी बिल्ली है और एक टेबल है। अब जब ये नकली सी बिल्ली यहां पे कूद के आएगी, जंप करके आएगी और टेबल पे बैठ जाएगी, तो हम बोलेंगे ऑन टू। हम क्या कहेंगे, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। तो ये तो था एक एग्जांपल किसका, ऑन टू का। पहला एग्जांपल हमारा ये खत्म होता है, अब इसी से रिलेटेड और एग्जांपल्स हम देखते हैं। अगला है हमारा, मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ, के बुक्स को शेल्फ पर रख दो, यानी मूवमेंट से यूं बुक उठाओ, ऐसे ऐसे लेके जाओ और शेल्फ पे रख दो। तो यहां भी मूवमेंट हुई और एक सरफेस पे, शेल्फ पे किसको रख दिया गया, बुक्स को रख दिया गया। तो यहां पे भी हम क्या लगा देंगे, ऑन टू लगा देंगे, ऑन खाली नहीं लगाएंगे। आइए अगले एग्जांपल पे, शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वो कहां पे, रूफ पे चढ़ गई, कैसे, क्लाइम करे, उसने क्लाइम किया और रूफ पे गई। तो अब यहां पे भी क्लाइंबिंग हुई यानी चढ़ाई हुई और फिर रूफ पे गए, तो ये भी एक क्या हुआ, ऑन टू का इस्तेमाल हुआ, ना कि खाली ऑन का। एक और एग्जांपल है, ही स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पे उतर गई ट्रेन से। अब उसने उतरी और फिर प्लेटफॉर्म पे उतरी, यानी वो क्लाइम करके आई, यानी वो मूवमेंट में आई और फिर वहां पे उतरी। तो इसके लिए यहां पर क्या आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स थे हमारे इसके पहले यूजेज के, जिसको था कि मूवमेंट दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। गाइस इसमें सबसे ज्यादा आप गलती करते हो और कंफ्यूज रहते हो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सिंपल सी ट्रिक याद रखो, जब मूवमेंट हो और सरफेस पे आए कोई चीज तो ऑन टू, मूवमेंट नहीं है, ऑलरेडी है, स्टिल है, शांत है, ठहरी हुई है, तो आएगा सिर्फ ऑन। यही पहला डिफरेंस था। अब देख लेते हैं ऑन टू का दूसरा इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल ऑन टू का क्या है, वो है जब किसी चीज की पूरी जानकारी हो, जब आप किसी भी चीज के बारे में फुल्ली अवेयर हो, आपको उसकी पूर्ण जानकारी हो, तो आप ऑन टू का इस्तेमाल लगा सकते हो, ऑन टू का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये एक इनफॉर्मल इस्तेमाल है, फॉर्मल यूज नहीं होता है, आपको पहले ही बता देता हूं। अब देख लेते हैं किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, कि दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान। यहां पे क्या आया, दे न्यू, उन्हें पता था कि आई वॉज ऑन टू, ऑन टू वर्ड लगा दिया।
देयर प्लान, कि मुझे उनके बारे में, उनके प्लान के बारे में पूरी क्या थी, जानकारी थी, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगाया ऑन टू, कि मुझे दे न्यू, वह जानते थे कि आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, कि मुझे उनके प्लान के बारे में पूरी जानकारी थी। अगला एग्जाम्पल क्या है, ही कैंसल द सरप्राइज पार्टी, उसने सरप्राइज पार्टी कैंसल कर दी, क्यों, व्हेन ही केम टू नो, जब उसे पता चला दैट वी वर ऑन टू हिज सरप्राइज, जब उसे पता चला कि हमें उसके सरप्राइज के बारे में पता था, यानी वी वर फुल्ली अवेयर, ऑन टू की जगह यहां पर सबकी जगह क्या लगा के देखो, फुल्ली अवेयर, तब आपको ये क्लियर और हो जाएगा। ऐसे यहां पे भी ऑन टू आया, यहां पे हम लिखेंगे क्या, फुल्ली अवेयर, तो अब चीजें हमें और क्लियर हो गई हैं। अब पढ़ के देखो ना, आई वॉज फुल्ली अवेयर अबाउट देयर प्लान, ऐसे ही वी वर फुल्ली अवेयर अबाउट हिज सरप्राइज। तो ये एक इस्तेमाल था जो कि बहुत रेयर इस्तेमाल था ऑन टू का, इनफॉर्मल यूज होता है और आपको पता जरूर होना चाहिए अगर आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना चाहते हो। अब हम बात करेंगे अपॉन की। अपॉन वर्ड दो वर्ड से मिलके बना, एक है अप, दूसरा है ऑन। अप का मतलब होता है ऊपर, ऑन मतलब होता है पर। तो इन दो को ही कोरिलेट करते हुए हम देखने वाले हैं अपॉन के इस्तेमाल, बड़ा मजा आने वाला है। आइए देखते हैं पहला इस्तेमाल क्या। पहला इस्तेमाल इसका है कि इमिजिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपन्स, कि अपॉन तब लगाओ जब कोई चीज घट गई हो, यानी वो चीज हो चुकी हो या होती हो, उसके फौरन बाद हम क्या लगा देंगे, अपॉन लगा देंगे। वो कैसे, एग्जाम्पल लिखा तो है, संगीता गॉट मैरिड, संगीता ने शादी कर ली, कैसे, इमिजिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। ये अपॉन कब लगा, जब पासिंग आउट हुई ना कॉलेज से, पासिंग आउट होने के बाद फौरन उसने शादी करी, तो इससे पहले हमने इसलिए क्या लगा दिया, अपॉन लगा दिया। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट, डिक्लेरेशन होने के बाद, अपॉन डिक्लेरेशन होने पर क्या हुआ, शी रश्ड टुवर्ड्स हर मदर, वो कहां गई, अपनी मम्मी के पास भाग के गई। तो जो घटना थी, डिक्लेरेशन, गॉट मैरिड, इन सब, या पासिंग आउट द कॉलेज, इन सब के साथ जो भी बाद में आप बात कहोगे तो उससे क्या लगाओगे, अपॉन लगाओगे। ओके, अब अगला इस्तेमाल क्या है इसका, कोई चीज जो होने वाली हो, जो अभी हुई नहीं है लेकिन होने को है। अब क्या है, दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, अब दिवाली हम पे होने को है। अब दिवाली कोई बारिश तो है नहीं जो हो जाएगी आपके पास, लेकिन क्या है कि दिवाली एक इवेंट है, एक कोई घटना है जो अब घटने वाली है, कोई त्योहार भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है जो होने वाला है, उसके आगे आप लगा दोगे अपॉन। तो दिवाली ऑलमोस्ट अपॉन अस, यानी दिवाली आने वाली है। अगला क्या है, अवर एग्जाम्स विल सून बी अपॉन अस, कि हमारे एग्जाम हम पर होंगे, यानी होने वाले होंगे, हमारे ऊपर आ जाएंगे। अगला क्या है, हिज पेमेंट इज गोइंग टू बी ड्यू अपॉन अस, उसकी जो पेमेंट है ना, जो उसको पैसे देने हैं, वो हमारे ऊपर ड्यू होने वाले हैं। तो इन सब के साथ हमने क्या लगाया, अपॉन लगाया। तो ये तो अभी हमने पढ़े हैं दो इस्तेमाल अपॉन के। अब आगे देखते हैं इसका कोई और सा इस्तेमाल जो इनसे डिफरेंट हो। अपॉन का इस्तेमाल किया जाता है ऑन की जगह पे। ऑन की जगह पे कब किया जाता है, तब किया जाता है जब मोर फॉर्मल देन ऑन, जब हम कोई ऑन का इस्तेमाल करें और हम चाहते हैं उसे फॉर्मल मैनर में करना चाहते हैं, तब हम ऑन हटा के लगा देंगे अपॉन, ऑन हटा के लगा देंगे अपॉन। ध्यान से सुनिए बात को दोबारा से, जब हम कहीं ऑन लगाए हुए होते हैं लेकिन हमें उसे फॉर्मल मैनर में बोलना पड़ता है, तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जहां हम ऑन हटा के लगा देते हैं अपॉन। वो वर्ब्स क्या है वो देख लेते हैं। वो वर्ब्स हैं डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेट, एक्सपीरियंस, हैपन, इंसिस्ट। इन वर्ब्स के साथ ना ऑन नहीं आता, ऑन हटा के अपॉन आ जाता है और मीनिंग सेम ही रहता है। अब इनके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। आइए, क्या एग्जाम्पल, माय होल फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन योर डिसीशन। मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं अपने मैनेजर से कह रहा हूं कि आपका एक डिसीजन ना, एक डिसीजन मेरी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। तो अब इसमें क्या करा हमने, एक फॉर्मल मैनर में, मैनेजर से मैं बात करूंगा तो फॉर्मल मैनर में करूंगा, वो मेरा दोस्त तो है नहीं, तो मैं उससे बोलूंगा माय होल फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन, यहां पे हमने क्या लगाया, अपॉन लगाया, जबकि यहां ऑन भी लग सकता था, अगर ऑन भी आ जाता तो भी गलत नहीं होता। एक और एग्जाम्पल है हमारा, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस, उन्होंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया उसकी सक्सेस पर, यहां भी हमने क्या, फॉर्मल मैनर में कहा कुछ, तो इसलिए यहां अपॉन लग गया, ये गलत नहीं होगा, ये भी अपॉन का एक और इस्तेमाल है। अगले इस्तेमाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला इस्तेमाल है दो नाउंस के बीच में जिसमें एक दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मतलब क्या है, यहां पे दो नाउंस है, एक नाउन ये रही, एक नाउन ये रही। अब जब हमने देखा कि जो दूसरी नाउन थी वो बड़ी हुई थी, इससे ज्यादा उसकी क्या थी, इंपॉर्टेंस हाई थी, तब हम लगाएंगे अपॉन। लेकिन इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, ही हैज वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की ईयर बाय ईयर,
यानी साल दर साल, यानी मेहनत जो पहले साल में की थी ना अगले साल में उससे ज्यादा की। यर एक नाउन होता है, दो नाउन यहां पर इस्तेमाल हुए, यर एक बार और इस्तेमाल हुआ, यहां भी यर इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये वाला जो यर था ना, ये वाला जो साल था उसमें मेहनत ज्यादा हुई थी, इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, अपॉन लगा दिया। तो ये एक और एग्जाम्पल हमने इसका देखा। एक और क्या है, वी क्रॉस्ड फर्दर माइल अपॉन माइल, हमने क्रॉस किया, हमने और ज्यादा क्रॉस किया, क्या माइल अपॉन माइल, यानी मील दर मील, यानी एक माइल से दूसरे माइल पे जाते हुए हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस ज्यादा किया, इसलिए हमने यहां पे भी क्या लगा दिया, अपॉन लगा दिया। तो ये तो थे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज अपॉन के। अब देखते हैं एक और यूज जो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपॉन का आखिरी इस्तेमाल है कोई चीज जो मूवमेंट में आए। अरे कुछ याद आया, कुछ याद आया, हाँ हाँ हाँ, ऑन टू में भी तो यही था, कोई चीज मूवमेंट में आए और सरफेस पे आ जाए तो उसके लिए इस्तेमाल होता था ऑन टू। लेकिन सर ये क्या बता रहे हो, आप तो कह रहे हो अपॉन का भी ऐसे इस्तेमाल होता है। जी हां, इन दोनों के ही इस्तेमाल करे जा सकते हैं अल्टरनेटिवली, यानी ऑन टू भी लग सकता है, अपॉन भी लग सकता है, लेकिन 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 याद रखिए एक बात कि जहां पर वॉक की बात हो, चलकर कोई चीज आए, क्लाइंब करके कोई चीज आए, इस तरह से अगर कोई चीज आ रही है तो आप प्रिफर करना ऑन टू को, आप प्रिफर करना ऑन टू को, अदरवाइज लगा देना अपॉन। और अभी देखते हैं किस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर अ पर्पस, हम इस अर्थ पर आए हैं, इस धरती पर आए हैं एक मकसद के लिए। तो यहां भी एक मूवमेंट थी, धरती पे लाए गए और सतह पे धरती पे हम आ गए, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, अपॉन लगा दिया। एक और एग्जाम्पल है, ही फेल अपॉन द ग्राउंड, वह गिरा कहां पर, गिरा ग्राउंड पर गिरा, तो यहां भी मूवमेंट थी, ग्राउंड पे आके गिरा, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, अपॉन लगा दिया। तो ये तो थे अपॉन के इस्तेमाल। हमने आज क्या क्या पढ़ा उसको सम अप करते हैं। हमने पढ़ा ऑन का इस्तेमाल, हमने पढ़ा ऑन टू का इस्तेमाल, हमने पढ़ा अपॉन का इस्तेमाल। तीनों के इस्तेमाल हमने पढ़े, उसमें कंपैरिजन किया, उसमें डिफरेंशिएट किया और अच्छे से हमने इनको पढ़ लिया था। अब आपके लिए कुछ होमवर्क दिए जाता हूं, आपकी स्क्रीन पे होमवर्क आएगा, आपको कमेंट करके इनके आंसर जरूर बताना है। जी हां, प्रेपोजिशन की हमारी ये वीडियो की सीरीज आगे चलती रहेगी। आप बताइए क्या आपको इस पे वीडियोस और चाहिए, कौन से प्रेपोजिशन आपको ज्यादा परेशान करते हैं, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लाइक्स हमारा मोटिवेशन बना देते हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।